हेलो दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज की कहानी का नाम है जिंदगी की जंग। मेरा नाम दिशा है, अब मैं 30 साल की हो गई हूँ। मेरा मानना है कि सबको अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी ही पड़ती है। एक लड़ाई मैंने भी लड़ी थी, उस समय जब मैं फाइनल ईयर में थी। पर आज जिंदगी मेरे लिए सांसों का एक पुलिंदा बन चुकी है, जिसे मुझे ढोना है और मैं ढोए जा रही हूँ, बेहद अकेली सी। मैं नहीं जानती कि मेरी कहानी सुनकर कितनी लड़कियां मुझे मूर्ख कहेंगी, कितनी मेरे साहस को सराहेंगी। यह जानने के बाद भी कि मेरे साहस ने ही मुझसे मेरे माता पिता को छीन लिया था, वह प्यार छीना जो मेरे लिए बेशकीमती था। आज कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं, केवल और केवल एक हताशा है जो हर पल मेरे साथ रहती है और मेरी जीवन साथी बन चुकी है। आज मैं कॉलेज एक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। स्टूडेंट को पढ़ाते समय जब कभी किताब खोलती हूँ तो मेरी यादों की किताब के पन्ने तेजी से उलटने पलटने लगते हैं। मुझे याद आ जाते हैं कॉलेज के वे दिन जब मेरी मुलाकात अरविंद से हुई थी। मैं अपनी सहेलियों में सबसे ज़्यादा सुंदर थी। मेरी बड़ी बड़ी हिरनी सी बोलती आँखें, गोरे चिट्टे शरीर और कमर तक लहराते बालों पर ही तो वह मर मिटा था। आमतौर पर बीए फाइनल ईयर या एमए करते करते परिवार में लड़कियों की शादी तय करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कुछ लड़कियां अपने माता पिता द्वारा पसंद किए गए लड़कों के साथ शादी करके अपनी गृहस्थी बसा लेती हैं, तो कुछ अपने प्रेमी को वर के रूप में पाकर नई जिंदगी की शुरुआत कर लेती हैं। कॉलेज में इस उम्र की लड़कियों के बीच अधिकतर भावी पति की ही चर्चा का विषय होते हैं। एक दिन मेरे और सहेलियों के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि शादी से पहले मंगेतर या प्रेमी के साथ रहना क्या उचित है। कई लड़कियों का मानना था कि इसमें अनुचित ही क्या है, जो कल होना है वह आज ही हो रहा है। आजकल लड़के कुछ ज़्यादा ही डिमांडिंग हो गए हैं। यदि उनकी डिमांड्स पूरी ना हो तो वह यह भी संभव है कि विवाह से पूर्व ही लड़के लड़की के संबंधों में दरार आ जाए। कुछ कह ही रही थी कि इसमें खतरा भी है, मान लो किन्हीं कारणों से यदि शादी नहीं हो पाई तो यह भी हो सकता है कि लड़का आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दे। यह भी हो सकता है कि लड़के से ब्रेकअप के बाद भविष्य में होने वाली शादी में इस प्रकार का संबंध अड़चन बन जाए। मैं शादी से पहले इन संबंधों की पक्षधर कभी नहीं थी। मेरी नज़र में ऐसे रिश्ते कैलकुलेटेड होते हैं जो मात्र लड़की को पाने के लिए बनाए जाते हैं। इसमें प्यार नहीं होता, वे लड़की को अपनी भावी पत्नी या प्रेमिका से शादी से पहले ऐसी डिमांड करते हैं। उनके लिए नारी केवल एक संपत्ति होती है जिसका उपयोग वे अपनी इच्छा अनुसार करना चाहते हैं। वे यह भी नहीं सोचते कि जिसने आपको सब कुछ अपना समर्पित किया, अपने प्यार से आपको स्पंदित किया, उसके भी आपके कुछ जज्बात होते हैं, उसकी भी अपनी कोई सोच है। यदि कुछ अवांछित हो गया तो भुगतना तो लड़की को ही पड़ेगा। खैर, यह अपनी अपनी लड़ाई है जिसे प्रत्येक लड़की को अपने अपने तरीके से लड़ना पड़ता है। मैंने अपना प्रश्न रखा था। बहस का कोई परिणाम नहीं निकला। मेरे और अरविंद के रोमांस को लगभग 3 महीने हो चुके थे। उसके लिए हर दिन वैलेंटाइन डे हुआ करता था। वह कॉलेज के गेट पर मेरे आने से पहले एक गुलाब लिए खड़ा रहता था। मुझे देखते ही उसकी आंखें नशीली हो उठती, चेहरे पर कातिलाना मुस्कुराहट उभर आती थी। मेरा भी मन चहक उठता। प्रेम की ताजा और खूबसूरत गंध हम दोनों के बीच बहने लगती थी। वह मुझे बड़े आशिकाना अंदाज में फूल भेंट करता और कहता, स्वागत है आपका हुस्न ए मलिका दिशा। उसके शब्द सुनते ही जाने कितने प्यार के पटाखे मेरे मन में भड़ाक भड़ाक की आवाज के साथ फटने लगते थे। उन 3 महीनों में मैंने कभी यह महसूस नहीं किया कि वह प्रेम को सीधे साथ रहने से जोड़कर देखता है या उसमें मेरे प्रति कोई ऐसा आकर्षण है। मुझे तो वह हर पल भावात्मक रूप से ही जुड़ा हुआ मिला था। यही उसकी विशेषता थी जो मुझे उससे बांधे रखती थी। यही वह गुण था जो उसे अन्य लड़कों से भिन्न बनाता था। उसकी उपस्थिति से ही मेरे मन के तार आनंदित होने लगते थे। फिर एक दिन वह हो गया जिसकी मुझे अपेक्षा नहीं थी। लाइब्रेरी के सामने वाली गैलरी में किसी को अपने आसपास न पाकर उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मेरे लिए यह स्थिति असहाय थी।
क्रोध आंखों में उतर आया, शरीर कंपकपा गया। अरविंद, हाउ डेयर यू, मैंने उसे धकेलते हुए गुस्से से कहा, तुमने मुझे समझ क्या रखा है, एक भोग्या, मैंने तुमसे यह आशा नहीं की थी, चले जाओ यहां से। फिर पता नहीं कितनी देर तक मेरे शरीर में अंगारे दहकते रहे थे, मस्तिष्क में चिंगारियां फूटती रही थी, मन सुलगता रहा। मैंने देखा अरविंद का हाल मुझसे बिल्कुल उल्टा था, चेहरा उड़ा उड़ा सा था, मानो कीमती वस्तु के अचानक खो जाने का डर उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रहा था। आई एम सॉरी, कपकपाते हाथों से उसने मेरी बाहें पकड़ते हुए कहा था। पता नहीं मैं कैसे सुध-बुध खो बैठा, मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था। इतने दिनों से हम मिलते रहे हैं, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, प्लीज आई एम सॉरी अगेन। उस दिन अरविंद ने मेरी बाहें उस समय तक नहीं छोड़ी थी जब तक कि मैंने उसे माफ नहीं कर दिया था। एक जवान लड़की की माँ लड़की को लेकर किन किन परेशानियों से जूझती हुई जीती है, यह मेरी माँ सुषमा ही जानती है, या वे स्त्रियां जानती है जिनकी बेटियां जवान हो जाती हैं। मेरे लिए माँ हर पल परेशान रहती थी, मेरे घर से बाहर निकलने से लेकर लौटने तक चैन की सांस नहीं ले पाती थी। हीरा सबके सामने हो तो कौन उसे लूटने का प्रयास नहीं करेगा, वे इसी भय से मुक्ति चाहती थी। उनका कहना था कि मैं एक बार घर से विदा होकर अपने पति के घर चली जाऊं, तब जाकर उन्हें चैन मिलेगा। पिताजी भी यही चाहते थे कि मैं फाइनल ईयर करते करते ही लाइफ में सेटल हो जाऊं। बड़े प्रयासों के बाद उन्हें एक अच्छे परिवार वाला शिक्षित सौम्य और संस्कारी लड़का मिला। वह नोएडा में एक प्राइवेट कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत था। लड़के के पिता ने पिताजी से कहा कि आप नोएडा आइए, हमारा घर देख लीजिए, लड़के लड़की को मिल लेने दीजिए, यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो शादी की बात भी हो जाएगी। माँ लड़के के पिता की बातें सुनते ही रोमांचित हो गई थी, ऐसे प्रतीत हुआ था जैसे उनका नाम किसी अवार्ड फंक्शन के लिए नामांकित हो गया हो। उन्होंने दूसरे दिन ही नोएडा जाने की तैयारियां शुरू कर डाली। लड़के और लड़कियों के सिर से प्यार का भूत उतरे नहीं उतरता, मेरे सिर से भी नहीं उतरा था, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं हुई। मैंने स्पष्ट शब्दों में माँ से कह दिया था, माँ अरविंद मेरा प्यार है, मैं शादी करूंगी तो उसी से, वरना नहीं। माँ बोली थी, हमारे खानदान में दूर दूर तक किसी ने प्रेम विवाह नहीं किया है, तो मैं तुझे कैसे करने दूंगी, और यह जो तू प्यार प्यार करती है, यह प्यार नहीं है, एक आकर्षण है, जैसे यह खत्म हुई वैसे ही प्यार का नशा भी उतर जाएगा, तुझे शादी तो हमारी इच्छा से ही करनी पड़ेगी। यह नहीं होगा माँ, मैंने स्पष्ट कहा, इससे बेहतर है कि मैं जिंदगी भर कुंवारी ही रहूं, और यदि हमारे मन मुताबिक नहीं हुआ तो हम दोनों तुमसे रिश्ता ही तोड़ लेंगे। माँ अपना आपा खो चुकी थी, अंततः मैं नोएडा जाने के लिए तैयार हो गई थी। नोएडा में मैंने लड़के से मिलते ही अपने संबंध के बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया था। लड़का सुलझा हुआ था, पीढ़ियों और विचारों के अंतर को भली भांति समझता था, उसने ही इस शादी से इनकार कर दिया। अब माँ को अपनी परेशानियों का अंत आसपास कहीं भी दिखाई नहीं दिया। निवाला हर बार मुंह के पास आते आते नीचे गिर जाता था। लड़का पसंद आता भी तो शादी की बात किसी न किसी कारण से अधूरी रह जाती। फिर धीरे धीरे उनकी हताशा ने मेरे सुख में ही अपना सुख तलाशना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने मन में मेरे और अरविंद के प्यार को रोकने के लिए जिद का जो बांध बना रखा था, समय के साथ साथ वह टूटने लगा। पहले कुछ दरारें दिखाई दी, फिर पूरा बांध ही टूट गया। फिर एक दिन पिताजी की उपस्थिति में माँ ने मुझे अपना फैसला सुना दिया, हमें तेरी और अरविंद की शादी मंजूर है, उसे एक दिन माता पिता के साथ बुला लो, उनकी सहमति मिलते ही हम तुम दोनों की सगाई कर देंगे। यह सुनकर जो खुशी मुझे मिली थी उसका वर्णन ठीक तरह से कर ही नहीं पाऊंगी। जोर जोर से प्यार शोर मचा रहा था, जीत जश्न मनाने लगी थी, अरविंद का हाल भी मुझ जैसा ही था, हमारी मुट्ठियों में सारा आसमान सिमट आया था, बस हमें और क्या चाहिए था। दूसरे दिन ही दोनों परिवार इकट्ठे हुए,
दोनों परिवारों ने अपने बच्चों की खुशियों के लिए रिश्ता मंजूर कर लिया और फिर 15 दिन बाद हमारी सगाई हो गई। मुझे शुरू से ही यह स्लोगन बहुत अच्छा लगता था, ये दिन भी न रहेंगे। हमारा दुख सुख में बदल चुका था। उसके बाद तो हमने जवाने को पीछे मुड़कर देखना ही छोड़ दिया था। सगाई के कुछ दिन बाद ही मेरा जन्मदिन था। जन्मदिन पर अरविंद ने मुझे उपहार में 75,000 रुपये की हरे रंग की साड़ी दी थी और होटल में एक शानदार डिनर पार्टी भी। उस दिन मैं बहुत खुश थी। देर रात पार्टी चलती रही थी। पार्टी खत्म होते ही मैं उस रूम में चली आई थी जो अरविंद ने मेरे आराम के लिए बुक किया था। उस समय वह अपने दोस्तों में व्यस्त था। रात को 1 बजे अरविंद मेरे कमरे में घुसा था। उसके मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी। कमरे में घुसते ही वह बोला, कैसी हो दिशा, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। उसके इरादे समझते ही मैं बेड से उठ गई थी। तीखे शब्दों में मैंने उससे कहा था, तुम अच्छी तरह जानते हो अरविंद, शादी से पहले मुझे ऐसे संबंध पसंद नहीं है। ऐसा बोलते बोलते मैं भय से कांप भी रही थी। तुम मुझे मत बताओ, ये लड़कियों के चोचले हैं, मैं बखूबी जानता हूँ। और अब तो हमारी सगाई भी हो चुकी है, अब तो तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो। यह कहकर वह मेरी तरफ बढ़ने लगा था। मैं उसका एग्रेशन देखकर ही समझ गई थी कि मुझे पाना उसकी जिद है और आज वह यह जिद पूरा करके ही रहेगा। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा और मैं अपनी जिद पर। जब मैं नहीं चुकी तो उसने मुझे चेतावनी दे डाली, अगर तुम्हें मेरी इच्छा की कोई परवाह नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मैं तुमसे अपने संबंध सभी अभी इसी वक्त तोड़ता हूँ। अब हमारी शादी कभी नहीं होगी। अपने एथिक्स का सेहरा अपने सिर पर बांधकर जिंदगी भर ढोती रहना। वह उठकर कमरे से बाहर जाने का प्रयास करने लगा। मैं काटो तो खून नहीं वाली स्थिति में आ गई। मैंने तेजी से आगे बढ़कर उसे फिर सोफे पर बैठा दिया। मैं गिड़गिड़ाने लगी थी, यह क्या कह रहे हो अरविंद, तुम नशे में हो, नहीं समझ पा रहे हो कि जो कुछ तुमने कहा है, यदि ऐसा हुआ तो इसका असर हमारी जिंदगियों को तबाह कर देगा। जिस प्यार को मैंने मुश्किल से पाया है वह मेरी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाएगा, प्लीज जरा यह तो सोचो। पर वह जरा भी विचलित नहीं हुआ। कहने लगा, माई डिसीजन इज फाइनल, तुम्हें क्या करना है इसका फैसला तुम कर लो। मेरी पकड़ से छूटने का प्रयास करते हुए उसने अपना फैसला सुना दिया। मैं उसे और नहीं रोक पाई थी। सारी मिन्नतें, कस्में, वादे सब नाकाम होते चले गए थे। वह तेजी से उठा और कमरे से निकल गया। उस सुबह 3 जिंदगियां मर गई थी, मेरी माँ, मेरी और पिताजी की। पिताजी ने अरविंद के विरुद्ध पुलिस में शिकायत करने का निश्चय किया तो माँ ने उन्हें रोक दिया। मेरी बदनामी का डर था। उसके बाद हमने सुबह ही शहर ही छोड़ दिया। कुछ समय बाद न माँ रही न पिताजी, दोनों को सदमा निकल गया। रह गई तो सिर्फ मैं, हताश अपनी जिंदगी को ढोती हुई। पीरियड खत्म हो गया है, किताब भी बंद हो गई है, पर मैं अभी भी अनिश्चितता की स्थिति में हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी लड़ाई जीती हूँ या हारी। माँ और पिताजी की मौत का बोझ मेरे सिर पर है। यह मुझे आज की युवतियाँ ही बता पाएंगे कि मेरा अरविंद की इच्छाओं के सामने झुकना सही था या गलत। मुझे तो इसी तरह जीना है, सिर्फ इसी तरह। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी ही कहानी देखने को मिलती रहेंगी।